से ऑन रक्षाबंधन. रक्षाबंधन इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फेस्टिवल्स इन द हिंदू रिलीजन. इन प्लेस ऑफ सिग्निफिकेंट आप इम्पॉर्टेंट भी लिख सकते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ राखी. रक्षा मीन्स प्रोटेक्शन एंड बंधन मीन्स बाउंड. इट इज अ फेस्टिवल ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन द फुल मून डे पूर्णिमा ऑफ श्रावण मंथ अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर. ऑन दिस डे सिस्टर्स टाई अ स्पेशल बैंड ऑन देयर ब्रदर्स रिस्ट. Pray for the well-being of their brothers. Brothers give gifts to their sisters and promise to stand by them in every situation. In Indian tradition, the fragile thread of Rakhi is considered even stronger than an iron, as it strongly binds brothers and sisters in the circumference of mutual love and trust. Circumference means perimeter. On this day, tasty dishes, wonderful sweets, etc. are cooked at homes and a variety of gifts present in the market and many sweets are also present in the shops. There are many stories in the history about Rakshabandhan. One of the famous stories of Rakshabandhan from history is of Lord Krishna and Draupadi. Once Krishna's a finger got cut, means injured, during fight with Shishupal, an evil king. At that time, Draupadi immediately tore off a piece of her sari and wrapped it on Krishna's finger. Due to this sisterly loving act, Krishna promised to save her always from any difficulty. In today's scenario, where everyone is so busy, festival like Rakshabandhan brings all the family members together and spread joy and happiness. In the last, happy Rakshabandhan to all. अब हम हिंदी में रक्षाबंधन पर निबंध लिखना सीखेंगे. निबंध लिखने के पूर्व अगर आप राखी के उपलक्ष में एक सुविचार लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं. सुविचार: रंग बिरंगे मौसम में सावन की घटा छाई है, खुशियों की सौगात लेकर बहना राखी बांधने आई है. भारत त्योहारों का देश है, यहाँ विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, उसी में से एक प्रमुख त्योहार है रक्षाबंधन. रक्षाबंधन एक सामाजिक पर्व है. यह त्योहार भाई को बहन के प्रति उसके कर्तव्य की याद दिलाता है. रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है. इस दिन बहन भाई के माथे पर तिलक लगाती है तथा दाहिने हाथ पर राखी बांधकर आरती उतारकर उनका मुंह मीठा कराती है. भाई भी इसके बदले में प्रसन्न होकर बहन को कुछ उपहार देता है. राखी बांधते समय बहन अपने भाई की सकुशल होने की कामना करती है और भाई अपनी बहन की हमेशा देखभाल और रक्षा करने का वचन देता है. रक्षाबंधन के दिन
पूरे परिवार में खुशी का माहौल होता है और घर में विशेष पकवान भी बनाए जाते हैं। रक्षाबंधन के कुछ दिन पूर्व बाजार में विशेष चहल पहल शुरू हो जाती है। रंग बिरंगी राखियों से दुकानों की रौनक बढ़ जाती है। बहनें दुकानों में जाकर अपने भाइयों के लिए राखी, नारियल व मिठाई उपहार खरीदती हैं। रक्षाबंधन के दिन परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं। कई बहनें अपने भाई के लिए स्वयं सृजनात्मक राखी बनाती हैं। विवाहित बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए मायके आती हैं। इस त्यौहार को मनाने के पीछे कई कारण हैं, जिसमें से एक उल्लेख यह है कि पुराणों की कथा के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें देवता हारने लगे। इंद्र की पत्नी रुचि ने देवताओं को राखी बांधी। देवताओं ने राक्षसों को हराया, तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। आप सभी लोगों को राखी मनाने के पूर्व राखी का इतिहास जानना चाहिए। उसी में से दूसरा उल्लेख महाभारत में देखने को मिलता है, जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था तो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में हल्की चोट लग गई और खून बहने लगा था। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की मुँह बोली बहन थी और जब द्रौपदी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ से रक्त बह रहा है तो द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी को चीर फाड़ कर कपड़ा निकाल कर भगवान श्री कृष्ण के हाथ पर पट्टी बांध दी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की हमेशा रक्षा करने का वचन दिया था। तभी से ही श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाने की प्रथा शुरू हुई थी। अंत में आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो फिर लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अब आपसे विदा लेते हैं, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।